दोस्तों ये पंप कंक्रीटिंग बेस्ड मशीन है, ठीक है, मतलब ये पंप से कंक्रीट को सप्लाई करती है। देख सकते हो आप दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है, वहां से कंक्रीट गिरता हुआ है, इसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है, उसके बाद से उधर गिरता है, और इधर से गिरने के बाद ये इस लाइन से होते हुए, ये पाइप से होते हुए जो भी कॉलम वॉलम डालने होते हैं, ऊपर देख सकते हो आप लोग सरिया वरिया बंदी है, शटरिंग लगी है, उसके अंदर कंक्रीट से इस पाइप से जाके कंक्रीट उसमें भरा जाता है। ऊपर देखिए लेबर लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आए दोस्तों इतनी चीज आप समझ गए। इसके अलावा गाइस हमेशा जो भी आपका ये प्लांट होता है उसमें एक एसी लगी रहती है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि इस मशीन को ठंडा रखती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी ऑटोमेटिक चीजें वो यहाँ पर लगी होती है। इसको खोलोगे आप तो गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह का इसकी मशीनरी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो ये गाइस देख सकते हो ये पूरी इसकी मशीनरी है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और कुछ ये चीजें होती है गाइस, और बाहर से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों तो ये हमारा प्लांट कुछ इस तरह का होता है, आप लोग देखोगे, ये देख सकते हो गाइस। इसमें 20 mm इसमें सैंड और उसके अंदर आपको 10 mm गिट्टी डाली जाती है, जिसका वेट हमको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तीन चीजों का यहाँ पे वेट आता है हमारा, 20 mm सैंड और हमारा 10 mm जो गिट्टी होती है, उन तीनों का वेट यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा सीमेंट जो होती है, सीमेंट दोस्तों ऊपर वहाँ हॉपर से गिराई जाती है ऊपर से, ठीक है। इसके पीछे एक वहाँ पे गोदाम है सीमेंट का, वहीं से सीमेंट डाली जाती है, ऑटोमेटिक ऊपर से गिरती है इसमें। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पे ड्रम से केमिकल डाला जाता है, ये जो आप लोग देख सकते हो ये जो दिख रहा है आपको, इसके माध्यम से अंदर केमिकल गिराया जाता है, ठीक है। केमिकल मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर जो कंक्रीट में मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों डाली जाती हैं। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे अगर मुझे इसके बारे में बताऊँ तो मुझे ज्यादा नहीं पता, मगर इतना आपको बता सकता हूँ, ये देखिए इससे एग्रीगेट वन डाला जाता है, एग्रीगेट वन मतलब 20 mm, ठीक है। जो भी हॉपर बाहर रखे हुए हैं उधर, मैंने अभी आपको दिखाया ना ये वाले जो हॉपर हैं, इधर इसके अंदर भरा जाता है जेसीबी से, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो है हमारा इसमें आपका तीन चीजों का वेट आता है एक एक करके, यहाँ पे एग्रीगेट वन देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एग्रीगेट वन लिखा है, इसका मतलब हुआ हमारा 20 mm, ठीक है। यहाँ पे सैंड है जो बीच वाले हॉपर में डाला हुआ है, और यहाँ पे एग्रीगेट टू मतलब 10 mm, ठीक है, जो कि सबसे इधर वाले हॉपर में डाला गया है, ठीक है। पीछे बाहर की तरफ तीन हॉपर है वहाँ पे, ओके। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, देखिए यहाँ पे ये होता है डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। सब डिस्चार्ज करने का मतलब हुआ कि इसमें डालना, ठीक है, मतलब जब वहां से सारा मटेरियल आ रहा है, इसके अंदर गिर रहा है, डिस्चार्ज मतलब इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर उसको मिक्स करते हैं, मिक्स यहाँ पे ड्रम मिक्सर यहाँ से मिक्स होता है इस बटन को दबाने से, और इसको घुमा देते हैं, तो या फिर इसको घुमाते हैं जिसकी वजह से वो डम कर देता है सारा मटेरियल हमारा उसमें, ठीक है। वहां पे सब गिर जाता है, वहां देखिए जाली लगी है, बड़ी गिट्टी जो होगी वहां पे छन के ऊपर आ जाएगी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, उधर देखिए पड़ा हुआ है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे क्यूब भी भरा जाता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्यूब रेडी है, ठीक है, अभी लेबर आके उसे भरेगा। और ये हमारा कुछ प्लांट है, ऊपर देखिए उधर सुपर प्लास्टिसाइजर रखे हुए हैं, ठीक है, और इधर हमारी 10 mm गिट्टी रखी हुई है। तो गाइज ये सारी चीजें होती हैं, इसमें एक एक बार में इस प्लांट की कैपेसिटी है आधे MQ मटेरियल निकालने की, ठीक है, आधे MQ मटेरियल बनाने की, यानी दो बार जब ये आधा आधा करके बनाएगा तब जाके 1 MQ मटेरियल बनेगा हमारा कॉन्क्रीट, ओके। सो गाइज इतनी चीजें आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा गाइज मैं एक बार बाहर से आपको दिखा देता हूँ, ये गाइज आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का नजारा है, ओके। और यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये हमारा प्लांट है, इस तरह का कुछ सीन है। इधर देखिए हमारी सैंड रखी हुई है, और इस गिट्टी के जस्ट उधर हमारी 20 mm रखी हुई है, ये हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर के डब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पे क्यूब सारे रेडी हैं, अभी भरा जाएगा, जब उसमें मटेरियल गिरेगा यहीं से मटेरियल लेके इसमें भरा जाता है। और वहाँ सामने जेसीबी है जिससे मटेरियल जो होता है वो पीछे डाला जाता है इसके पीछे, ठीक है, मटेरियल जो हॉपर है उसके अंदर। तो आए दोस्तों इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। गाइज एक चीज और आप मैं आपको बता दूं, यहाँ पे M25 फिलहाल हमारे साइट पे जो है कंक्रीट बनती है, यहाँ पे आप लोग उसका ग्रेड देख सकते हो गाइज, कुछ इस तरह का यहाँ पे ग्रेड है, इस तरह से इस रेशियो में मिक्स किया जाता है, यहाँ पे सीमेंट सैंड 20 mm 10 mm वाटर सुपर प्लास्टिसाइजर और टोटल मटेरियल की डेंसिटी कितनी होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1 MQ में कितना मटेरियल जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या उसका वाटर सीमेंट रेशियो होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर और सीमेंट का रेशियो बाई वेट कितना है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग,
ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ मेन चीज देखिए इस रेशियो में मिलाया जाता है हमारा कंक्रीट, इसी रेशियो में बनाया जाता है। इसका एक सर्टिफिकेट होता है, हमें एक डिजाइन दिया गया है जिस हिसाब से हम इसमें प्लांट में इसी हिसाब से हम कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से जैसा यहाँ पे हमारा ग्रेड है ये, इसी हिसाब से हम यहाँ पे कंक्रीट बनाते हैं इसके द्वारा।